जो पिछले 5-6 दिनों से तुकारपुर और चौना गांव में जो घटना हुई है, हम देश के सम्मानित नागरिक हैं और एक जागरूक नागरिक हैं। हमें एक एक कानून की एक एक परिस्थिति का पता है। आज जहां पे कमिश्नरेट है, जहां पुलिस की इतनी बड़ी व्यवस्था है, वहां पे आरोपी इंस्टाग्राम पे बैठ कर पूरे समाज के, देश के पूरे समाज को गाली देता है। ये अपने आप स्वीकार करता है कि हाँ, हमने घुसके मारे, तलवारों से मारे, और दूसरों को दोबारा मारेंगे। उसके बाद भी जो बचे हुए लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और जो हमारे परिवार के लोग हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, उनको वो थाने में बैठा के डराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से जितने हमारी पंचायत है इनके बीच कहना चाहता हूँ, अभी तो हमने परिचौक पर पंचायत करी है, यदि ये FIR दर्ज नहीं करी 307 में, तो ततारपुर में पूरे देश के दूसरों की पंचायत होगी और इसे खाली होगा। हमारा गांव में प्रशासन पे और संविधान में कानून में विश्वास रखते हैं। हम एक हफ्ते का समय दे दिए आज सारे साथियों से मिलकर, चाहे 5 दिन का समय दें चाहे 4 दिन का समय दें। जब सर में तलवार लगती है तो कोई बचने की गुंजाइश रहती है क्या? उसमें भी 307 की कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? जो 3 आरोपी जो मास्टर माइंड है, जिसका नाम FIR में दिया है, उसका नाम ऑनलाइन करने के बाद संरक्षण दे रहा जी, उनके नाम उसमें शामिल करे जाए। हम भाई हम मुआवजा मांगने नहीं आए, या हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ये गुर्जर समाज अपने स्वाभिमान के लिए किसी भी लड़ाई तक हद तक जा सकता है। प्रशासन के सीनियर अधिकारी भी है। हम आपसे अब भी अनुरोध करते हैं कि या तो 307 से FIR दर्ज करो, और नहीं तो एक हफ्ते में करना पड़ेगा FIR दर्ज। बोलदेव नारायण भगवान की। आज हमने अपने संस्थान में, जो हमारे समाज के लोगों ने अपने पैसे से बनाया है, जिसमें अमित भाई ने 11 लाख रुपए का सहयोग दिया हुआ है, इनसे हमने विधिवत फोन पर परमिशन ली थी। आज ये चाहे प्रशासन के दबाव में या पॉलिटिकल दबाव में मना कर दें, कौन तो मना कर दे, हमको कोई परमिशन नहीं दे गई। हमारे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग अपनी है, जिसमें इन्होंने यहाँ के अध्यक्ष ने कहा है कि आप यहाँ मीटिंग कर सकते हो अंदर। धारा 144 में भी हम अपने संस्थान के अंदर, अपनी चारदीवारी के अंदर, अपने घर में पंचायत कर सकते हैं, अपनी चर्चा कर सकते हैं। और ये ग्रेटर नोएडा है, इस शहर में हजारों एकड़ मिल जाएगा गुर्जर समाज को इकट्ठा होने के लिए। ये तो क्योंकि समाज के द्वारा निर्वाचित भवन है, इसलिए है। और यहाँ जगह की कमी नहीं है। आज हर घर क्या कितने फार्म हाउस खुल जाएंगे यहाँ पे अभी लाइन से। आज यहाँ हम कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि थी, अलग अलग संगठनों के जो अध्यक्ष या जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हमारी महिला शक्ति बैठी हुई है। हमने कोई यहाँ गांवों की कॉल नहीं की थी। आज हम यहाँ कोई भीड़ लेकर आने वाले नहीं थे। घटना है उसमें हमारी जो मांग है, इसमें जो तलवारों से हमला हुआ है, रात के समय में हुआ है, FIR दर्ज की जाए। आज FIR दर्ज करने के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यदि हम इनको प्रशासन को, इस आज जो हमारी मीटिंग हुई है यहाँ पर मैन लोग बुलाए गए हैं, इन्होंने ये तय किया है, यदि प्रशासन 307 में और जो लोग छुटे गए हैं, जो उसके मास्टरमाइंड है, यदि उनके खिलाफ 10 दिन में 8 दिन में FIR नहीं करता है, तो हम महापंचायत करेंगे चौना गांव में। लेकिन समय प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। पुलिस ने 50 से 60 लोगों के खिलाफ FIR की है, ये बताया गया है क्या? पुलिस ने FIR की अपना संज्ञान लेके, लेकिन यदि मेरे सिर पे कोई तलवार से हमला करेगा, मुझे अधिकार है, मैं उसके खिलाफ जाके FIR दर्ज कराऊं। मेरे घर पे कोई हमला करेगा तो मुझे अधिकार है, कानून ने अधिकार दिया, संविधान ने अधिकार दिया है कि उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसके कारण अपराध हुआ है, जितना अपराध हुआ है। अब आपका यदि सर में तलवार थोड़ी अंदर चली जाती तो वो तो डेथ हो जाती। एक और जो नया बेटी की हत्या हुई है, उन्होंने सुसाइड किया, उसके भी आरोपी यही है। यदि ये 307 में नहीं करेंगे तो फिर 302 पे भी इन पर कोर्ट के द्वारा, हमारे वकील साहब सब टीम खड़ी है, कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज कराएगी।